नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसकासियन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम D++B 15/19 से रिलेटेड चर्चा करेंगे। मतलब इसका आगे का पूरा प्रोसेस है, वेटिंग लिस्ट का क्या है, या इससे रिलेटेड जो भी आपके सवाल है या फिर जो भी आपके डाउट है, तो सबको मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर कर दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, D++B के माध्यम से जो आपको PRT की रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है दिल्ली में, इसमें फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का क्या है पूरा का पूरा प्रोसेस, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, जो मैं इसमें चर्चा करूंगा, ये आपका एग्जांपल जो मैं दूंगा, ये दूंगा जो आपकी 15/19 PRT की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिली थी, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिससे आपको दोनों ही काम हो जाएंगे। जो 15/19 के बारे में जानकारी लेना चाहते हो उन्हें तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। साथ ही साथ जो एक दिल्ली में जो दिल्ली सरकार के स्कूल होते हैं, उसमें PRT लेवल पर शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव यह वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सभी तरह के कैंडिडेट को मद्देनज़र रखते हुए हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देना आपको स्टार्ट करते हैं। तो जो D++B के माध्यम से आपको 15/19 PRT की जो रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी, ये मिली थी दोस्तों आपको 2019 में मिली थी सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। तो इसमें जो दोस्तों टोटल पोस्ट थी वो थी आपकी 637, ठीक है। और इसमें जो टोटल अभ्यर्थियों ने अप्लाई करा था, मतलब टोटल जो कैंडिडेट आवेदन करने वाले थे इसमें, वो थे 1,25,000 के करीब। लेकिन जो इसमें एग्जाम देने आए थे वो 60,000 के करीब लोगों ने एग्जाम दिया था। तो दोस्तों, यहीं आपको पता चल जाएगा फॉर्म कितने लोग फिल करते हैं और एग्ज़ाम देने कितने जाते हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, जो ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है, PRT लेवल पे, इसमें तो एक तो दोस्तों मैं आपको ये बतानी भूल गया, जो D++B के माध्यम से जो आपको दिल्ली में रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है PRT लेवल पर, ये दो तरह के स्कूल्स में मिलती है, एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली MCD और दूसरा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन DOE। तो ये वाली जो रिक्रूटमेंट थी DOE वाली थी, मतलब डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन वाली, ठीक है। तो दोस्तों, जो इसका एग्ज़ाम होता है, ठीक है, चाहे MCD की बात करें या फिर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, किसी भी तरह का एग्ज़ाम होता है जो D++B माध्यम से आपको PRT के लिए रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, दो टीयर में होता है, ठीक है। पहले टीयर में दोस्तों आपका जो पहला एग्ज़ाम होता है वो कॉमन पेपर होता है, दूसरा जो आपका होता है वो विषय संबंधित होता है। दोनों 100-100 नंबर के आते हैं, ठीक है। बाकी इसका पूरा सिलेबस क्या है, ठीक है, कहाँ से आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, तो इस पर दोस्तों मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। बाकी आर्टिकल भी हमारा, तो उसके उन सभी के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद चाहे तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, तो दोस्तों 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। और बाकी दोस्तों, सैलरी वगैरह क्या मिलती है PRT में, या और भी ज़्यादा PRT से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी है, तो सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और दोस्तों, इसमें अगर बात करें, देखिए, अब इसमें इंटरव्यू तो होता नहीं आपका, अब इंटरव्यू नहीं होता, तो इसलिए ना इसमें दो कट ऑफ निकलती है। एक जो आपकी पहली कट ऑफ निकलती है दोस्तों, वो तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की होती है, क्योंकि ना जो आप कोई सी भी रिक्रूटमेंट ठाके देख लीजिए ना, उसमें ना कुछ डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से मिली जाती है, तो ठीक है। तो एकदम अगर फाइनल कट ऑफ निकाल देंगे, तो बाद में जब ज्वाइनिंग देंगे किसी के डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी निकल गया, फिर किसी भी तरह की किसी के साथ कोई समस्या मिल गई, तो दोस्तों फिर उन्हें दोबारा से लिस्ट निकालनी पड़ेगी, मतलब पंगा ही बैठ जाए एक तरह से। तो इसलिए ना दो कट ऑफ निकालते हैं, पहली कट ऑफ में आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, और जो सेकंड कट ऑफ निकलती है जो कि आपकी फाइनल कट ऑफ होती है, उसमें आपके फिजिकली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, ठीक है। तो जो इस रिक्रूटमेंट की दोस्तों जो आपको पहली कट ऑफ देखने को मिली थी, वो मिली थी 20/3/2020 को, मतलब 20 मार्च 2020 को आपको इसकी जो फर्स्ट कट ऑफ देखने को मिली थी। अब मैं आपको दोनों ही कट ऑफ दिखा देता हूँ, जो सेकंड कट ऑफ और फर्स्ट कट ऑफ, मतलब जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ निकली थी वो कितनी गई थी, और जो फाइनल कट ऑफ निकली है जो कि कल निकली है आपकी, 23 तारीख थी, हाँ, तो 23 तारीख को जो आपकी कट ऑफ निकली है, तो दोनों के दोनों मैं आपको बिल्कुल दिखा देता हूँ कट ऑफ, तो इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि दोनों के दोनों कट ऑफ में कितना फर्क देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों, जो स्क्रीन पे शो हो रही है आपकी 20/3/2020 को कट ऑफ निकली थी, जो कि आपकी पहली कट ऑफ थी, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए कितनी किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई थी। और जो हम दूसरी कट ऑफ की बात करते हैं, तो दोस्तों ये आपकी 23 जुलाई को, ये जो मतलब कल निकली 23 जुलाई 2020 को, तो आप इसकी कट ऑफ देख सकते हैं कितनी। अब दोनों को दोस्तों मैच करके देख लीजिए आपको कितना दोनों के दोनों में फर्क देखने को मिलता है। अब दोस्तों, जो इसमें जो आपकी कल कट ऑफ निकली, जो कि आपकी फाइनल कट ऑफ निकली D++B PRT 15/19 की, ठीक है, तो उसमें आगे का क्या पूरा प्रोसेस है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, इसमें जो टोटल पोस्ट थी वो 637 थी, ठीक है। लेकिन इसमें जो फाइनल कट ऑफ आई जिसमें सिलेक्शन हुआ है, वो टोटल 616 अभ्यर्थियों या फिर कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। इसमें 21 कैंडिडेट अभी हमारे पेंडिंग है। अब वो 21 कैंडिडेट क्यों पेंडिंग है दोस्तों, उनके डॉक्यूमेंट्स में किसी न किसी तरह से कोई ना कोई कमी पाई गई है, किसी ने अपना एडमिट कार्ड अपलोड नहीं करा, किसी ने अपनी CTET की मार्कशीट या सर्टिफिकेट को अपलोड नहीं करा, किसी के डॉक्यूमेंट्स दोस्तों अलग हैं, या फिर किसी भी तरह की कोई भी इनके डॉक्यूमेंट्स में समस्या मिले, इसलिए इन 21 कैंडिडेट को पेंडिंग में रखा है, ठीक है। अभी ये जैसे कि अपना इन्हें थोड़ा सा टाइम दिया गया है और अपने जैसे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेते हैं, तो इनका भी इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्स में समस्या देखने को मिलती है, वो क्या क्या आपको समस्या देखने को मिलती है, एक तो देखिए, अब
जैसे कि मैंने आपको हमेशा की तरह काफ़ी सारी वीडियो में पहले बता चुका हूँ, जो ओबीसी कैंडिडेट होते हैं दिल्ली में केवल ओबीसी में उन्हें ही काउंट किया जाएगा जो कि दिल्ली के मूल निवासी ओबीसी में, बाकी दिल्ली से बाहर के जितने भी कोई भी ओबीसी का कैंडिडेट है, चाहे उस पर किसी भी तरह का ओबीसी का सर्टिफिकेट है, चाहे उस पर सेंट्रल लेवल का कोई सर्टिफिकेट ओबीसी का या फिर जिस स्टेट में वो रहता है उस स्टेट का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो दिल्ली का मूल निवासी है, दिल्ली का उसके पर सीटेट का सर्टिफिकेट है, तो ही उसमें एलिजिबल है वो, ठीक है, तो इसे ओबीसी कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। अब साथ ही साथ दोस्तों इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बहुत ज़्यादा बातें चल रही है, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का दोस्तों हमने जो आपको कुछ समय पहले मैंने आपको एक जानकारी दी थी उसमें देखो हमने जिनसे भी बात करी थी सभी की सब ऑफिशियली जानकारी के हिसाब से बोल रहे थे, ठीक है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दोस्तों कहीं भी ऐसा किसी भी तरह से मेंशन नहीं किया गया था कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले उन्हें केवल दिल्ली के जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले उन्हें केवल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, ठीक है, तो इस तरह का कुछ मेंशन नहीं था, इसलिए हमने ऐसा बोल दिया था। जैसे एससी एसटी के लिए देखने को मिलता है, एससी एसटी में किसी भी तरह का कोई भी पंगा नहीं बैठता, अभी कुछ समय पहले भी दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एससी एसटी संपूर्ण भारत के दिल्ली में अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं देखने को मिलेगी, बाकी दिल्ली वाले बाहर अप्लाई करते हैं तो उन्हें समस्या देखने को मिलती है। इस पर काफ़ी सारे आप कुछ जो व्यूवर्स थे उनके कमेंट आ रहे थे कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर कोई इस तरह की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का ऐसा ही है, जो दिल्ली के केवल उन्हें ही इसी कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, ठीक है। अगर आप दिल्ली से बाहर के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह की कोई ना कोई कमी देखने को मिली थी, साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्हें जो अपलोड करने थे तो उसमें भी समस्या थी। उसमें दोस्तों ये समस्या थी कि जो उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी सारी वीडियोज़ में, जो भी आप जिस भी डिटेल पे भी की रिक्रूटमेंट के लिए आप अप्लाई करते हैं उसमें जो आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, उस क्वालिफिकेशन के अंदर का जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपकी क्वालिफाइड डिग्री है, वो आपकी उस जो भी रिक्रूटमेंट के लिए उसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है ना, उस डेट तक पूरे हो जाने चाहिए। अब जो ये दोस्तों आपकी रिक्रूटमेंट के लिए थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ PRT 15/19 आपकी निकली थी 15/9/2019 को, ठीक है, जो इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट थी वो थी आपकी 15/10/2019। तो 15/10/2019 तक जितने भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, चाहे सी टेट है, चाहे आपने कोई भी क्वालिफाइड डिग्री करी है, किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपसे मांगा है, जो आपने वहाँ पर मेंशन कराया, तो आपका 15/10/2019 तक पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की कुछ समस्या देखने को मिल रही है अभ्यर्थियों के साथ, तो इसलिए इनका क्या करा है, तो इन्हें पेंडिंग में डाल दिया, ठीक है। अब दोस्तों हम वेटिंग लिस्ट की बात कर लेते हैं। अब वेटिंग लिस्ट का क्या है दोस्तों, डिटेल पे भी पीआरटी रिक्रूटमेंट में, इसमें जो भी आपकी फाइनल कट ऑफ निकलती है, अब आपकी इस केस में 15/19 के केस में हमारी जो फाइनल कट ऑफ लिस्ट निकली है वो कब निकली, हमारी 23 जुलाई 2020 को निकली है, तो पूरा एक साल का टाइम होता है, मतलब एक साल के अंदर आपको कभी भी वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है, अगर मिलेगी तो, ठीक है, एक साल के बाद नहीं मिलेगी। तो आज 23 जुलाई 2020 को हमारी फाइनल कट ऑफ आई थी, तो 23 जुलाई 2021 तक आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी, तो तभी तक मिलेगी, बाद में नहीं मिल सकती, ठीक है, तो एक साल का टाइम होता है। अब दोस्तों वेटिंग लिस्ट निकलती कब है, अब दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि कुछ कैंडिडेट ना सिलेक्शन तो हो जाते हैं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं लेते, वो अब उनकी कहीं और सिलेक्शन हो जाते हैं या फिर किसी और जो कोई और जॉब लग जाती है, फिर देश से बाहर चले जाते हैं, या किसी भी तरह की कोई भी उनके साथ समस्या क्रिएट हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे में ना उनकी सीट खाली रह जाती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल 637 पोस्ट थी कि जिसमें 616 का तो हो गया मतलब सिलेक्शन, बाकी 21 को पेंडिंग रखा है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स पूरे करते हैं तो उनका भी इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो टोटल 637 है दोस्तों, इसमें ये होता है कि 637 के 637 ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, कुछ या एक आध दो तीन पता नहीं दोस्तों, ये तो समय समय के ऊपर निर्भर करता है कि कौन जॉब छोड़ता है कौन नहीं छोड़ता, किसी का कहीं और सिलेक्शन हो गया तो वो छोड़ देगा, ठीक है, या फिर और भी कोई रीज़न रहा हो, तो इसमें यही होता है अगर उन्होंने कोई सीट खाली हो गई तभी आपकी वेटिंग लिस्ट निकलेगी। अब इसमें दोस्तों मैं बता दूं केवीएस की जब हम बात करते हैं तो केवीएस में ज़्यादा चांस होते हैं कि जो लोग ज्वाइनिंग नहीं लेते, ठीक है, लेकिन डीटर प्लस बी में केवीएस की अपेक्षा कम चांस होते हैं कि लोग अपनी स्किप करेंगे ज्वाइनिंग को, ठीक है, इसमें इसलिए होता है क्योंकि केवीएस आपको पता है दिल्ली से बाहर कभी कहीं ट्रांसफ़र कर देंगे किसी स्टेट में, कभी आपका किसी स्टेट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, तो हर कोई सर्वाइव नहीं कर पाता, और काफ़ी सारे जैसे लेडीज़ की बात करें या फिर किसी की भी बात करें तो हर किसी को ये चाहते हैं कि उसके घर के पास ही उसे ज्वाइनिंग मिल जाए, घर से दूर ना जाना पड़े, मैक्सिमम ये सोचते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट जॉब लगती है दोस्तों इतना कोई नहीं सोचता, लेकिन कुछ ऐसे लोग सोचते हैं जो ज्वाइनिंग नहीं लेते केवीएस में, लेकिन डीटर प्लस में इस तरह की कोई भी समस्या नहीं है। इसमें तो आपकी ताउम्र जब तक आपको पढ़ाना है मतलब पीआरटी लेवल पर या फिर जब तक आपकी रिटायरमेंट तक आपको दिल्ली में रखा जाएगा, दिल्ली से बाहर आपका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, तो इसमें दोस्तों इसलिए इसमें स्किप करे कैंडिडेट अपनी ज्वाइनिंग तो इसके थोड़े से कम चांस होते हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई स्किप कर देता है तो मैंने आपको बताया पूरा का पूरा एक साल का टाइम मिलेगा, एक साल के अंदर कभी भी वेटिंग लिस्ट आएगी, अगर कोई स्किप करता है फिर कोई भी हमें सीट खाली देखने को मिलेगी तो उसकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, और वेटिंग लिस्ट में दोस्तों जिसके जैसे मार्क्स होंगे उसके हिसाब से जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है।
अब दोस्तों मेरे कुछ सब्सक्राइबर कमेंट कर देते कि वो अपना रिजल्ट ही नहीं चेक कर पा रहे हैं। अब बताओ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना अभी तक रिजल्ट ही नहीं चेक करा है, तो फिर क्या कर रहे हैं वो, मतलब क्यों इसका वेट कर रहे हैं इसका फाइनल कट ऑफ का। तो बाकी अगर जिन्होंने रिजल्ट चेक नहीं किया उस पर दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा किस तरह से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अब तो पता नहीं दोस्तों लिंक एक्टिवेट होगा भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक बार ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें एज के किसी के साथ इशू हो गया था तो दोस्तों इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 30 वर्ष ही रखी गई है आपकी, ठीक है। बाकी SST को 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलेगी और OBC को 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलेगी। अब एक ऐसे सब्सक्राइबर है वो कह रहे हैं कि उनका कुछ सरनेम में गड़बड़ हो गई, मतलब सरनेम पहले लिख दिया और जो नेम उनका बाद में, कुछ इस तरह की उनके साथ समस्या देखने को मिली है। तो वैसे तो ये वाली समस्या नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हैं, ऐसी गलतियां आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये गलती होगी तो दोस्तों इस पर मैं कोई गारंटी तो नहीं ले सकता। बाकी आप एफिडेविट वगैरह लगा दीजिए कि आपके साथ ये वाली समस्या हो गई है, तो शायद से कोई उसका समस्या का सोल्यूशन निकल जाए, ठीक है। बाकी दोस्तों अब इसमें आगे के पूरे प्रोसेस की बात करते हैं। तो आपकी जैसे कि मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था पूरा का पूरा, आपकी दो लिस्ट निकलती है, इसमें दो कट ऑफ निकलते हैं। शुरू वाली ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है आपकी डॉक्यूमेंट्स की, जो ईडोजर पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने पड़ते हैं। अब जो सेकंड फाइनल लिस्ट निकलते हैं उसके बाद अगर मैं बता रहा हूँ तो दोस्तों इसमें जिनका सिलेक्शन हो गया है, जो कि 637 टोटल पोस्ट थी जिसमें 616 का सिलेक्शन हो गया, बाकी जो 21 हैं ये भी अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेंगे, इनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हें क्या करना है, अब दोस्तों इसमें क्या है, देखिए अब आपको तीन चीज़ देखनी पड़ेगी। आप तो एक तो सबसे पहले आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, पहले ऑनलाइन हुआ था फिजिकल होगा। आपको एक जगह दे दी जाएगी, पर्टिकुलर डेट दे दी जाएगी और उसमें आपको सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने, बाकी आप उसकी फोटोशीट वगैरह भी लेके जा सकते हैं और बाकी किसी से अटैच्ड हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ इसके बाद आपका होगा मेडिकल, ठीक है। मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो तीन प्रोसेस से और आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की, और दूसरा आपको क्या होगा, आपका मेडिकल होगा, और तीसरा आपकी ज्वाइनिंग होगी। अब दोस्तों मेडिकल से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक भी आपको वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको मैक्सिमम सभी जानकारी दे दी कि मेडिकल में आपसे क्या क्या चीज़ें, किस किस चीज़ों का चेकअप आपका होता है और किस किस तरह से आपका मेडिकल होता है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि डिटेल प्रेस भी में आप अगर टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो उसमें मेडिकल का पूरा प्रोसेस क्या है, ठीक है। अब ये TGT PGT PRT तीनों के लिए, तो सब इस वीडियो का भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये क्या दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डिटेल प्लस भी रिक्रूटमेंट से संबंधित। अब आप दोस्तों ये भी सोच रहे होंगे इस पूरे प्रोसेस में समय कितना लग जाएगा, तो कैजुअल या नॉर्मल मैं बात करूँ तो 4 महीने के आसपास आपका टाइम लगता है सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट करने में। लेकिन आज के टाइम पे जो हालात हैं दोस्तों उससे आप भी भली भांति परिचित हो और मैं भी भली भांति परिचित हूँ। तो इस अब कितना समय लगेगा दोस्तों इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने नॉर्मल आपको बता दिया 4 महीने के आसपास इस पूरे प्रोसेस को होने में आपका समय लगता है। अब दोस्तों इस चीज़ में आप टेंशन मत लो, और जिनका इस रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन हो गया उनको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई है। बाकी जिनका नहीं हुआ है तो उन्हें कोई समस्या नहीं है, आगे भविष्य में भी आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती रहेगी। बाकी जिनका सिलेक्शन हुआ है वो ये ज़्यादा मत सोचो कि भाई ज्वाइनिंग कम मिलेगी। तो देखिए आपका सिलेक्शन हो गया, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे, आपका मेडिकल भी ठीक ठाक हो ही जाएगा, क्योंकि मेडिकल का कोई आर्मी या फिर किसी फोर्स वाली नौकरी तो है नहीं जिसमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड मेडिकल होगा। नॉर्मल सा मेडिकल होता है आपका तो वो तो आप करवा ही लोगे, ठीक है। तो लगभग आप यही मान के चलो आपकी ज्वाइनिंग हो ही जाएगी। अब ज्वाइनिंग में कितना टाइम लगेगा दोस्तों तो इस पर ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन होने से लेकर ज्वाइनिंग तक का जो ये बीच का समय होता है ना दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा खुशहाली वाला समय होता है, मतलब आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे इसमें, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉय करिए यू पहले, क्योंकि एक बार आपका सिलेक्शन हो गया दोस्तों फिर आपको नॉर्मली लगने लगेगा। अभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी कि भाई मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, मेरा PRT पद पर सिलेक्शन हो गया। लेकिन जब एक बार आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी, जब आपको स्कूल पढ़ाने के लिए अलॉट कर दिए जाएंगे, फिर कुछ समय बाद आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो ज्वाइनिंग से जो आपका ये सिलेक्शन से लेके ज्वाइनिंग तक के जो बीच का समय है, इसे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एंजॉय करिए। अब आप ज़्यादा बार बार तो घूमने जा नहीं सकते, लेकिन जितना भी हो सके अपने घर पे या फिर अपने आस पड़ोस में जैसे भी चाहें तो इस समय को एंजॉय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की बात करते हैं कि आपको भविष्य में कब रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी DTRPSB की तरफ से। तो इसके बारे में अभी मेरे पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए इस बारे में आपको भी कोई फिलहाल अपडेट नहीं दे पाऊँगा। तो बस दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो निश्चित ही आप उस वीडियो को लाइक तो कर ही दोगे, साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया मेहनत तो दोस्तों हर चीज़ में लगती है, तो इसलिए वीडियो बनाने में लगती है और इसका फल मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमारे लिए फल क्या होता है, आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे द्वारा दी गई जानकारी पहुँच जाए, तो बस यही हमारा फल होता है। तो इसमें आप अपना सहयोग करना चाहे तो कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जो हमारा चैनल है टीचिंग से रिलेटेड है, इसमें टीचिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहती है, तो इसलिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।